प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। सतगुरु शांति वाले तुमको भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सुत दारा परिवार हैं ये तने, सब के प्रेम बतौर हैं सपने, समय कोई नहीं अपने, बहु पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। पुराण बताए, सदाचार सत्संग गाए, ज्ञान योग का वेद बताए, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन, कटारण शोक विमोचन, गुरु तुम्हें पा
पापों के मोचन। शब्द वेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। दीनों की विनती सुन लीजे। कर जानी कर कृपा कीजे। दर्शन अपना हरदम दीजे। यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 29 जुलाई 2020 सायंकाल की बेला आश्रम उज्जैन, संत महात्मा ऋषि मुनि
लड़के पर आए और जो नियम कानून बनाया, जो व्यवस्था बनाई, जिसके अंतर्गत सुख शांति मिलती है, इसके अंतर्गत प्रेम जगता है, दया भाव पैदा होता है, सेवा भाव पैदा होता है, उस मालिक की तरफ लगाव बढ़ता है, दुनिया से मोह खत्म होता है, उस व्यवस्था के बदले तो अपने पास कोई शब्द हैं कि जिससे उसकी तारीफ की जाए, कृतज्ञता व्यक्त की जाए, और ना ही कोई ऐसी चीज है कि जो उस कर्ज से मुक्त हुआ जाए। लेकिन मोटी बात आप ये समझो कि बहुत से लोग कर्जा माफ कर देते हैं, कब, जब खुश हो जाते हैं। और खुश कब होते हैं, जब उनकी बातों को लोग पकड़ लेते हैं, अमल करते हैं, दीनहीन बन करके, और उनसे याचना करते हैं कर्जा या माफी कर दो, तो कर्जा माफ हो जाता है। उनकी बातों को हम पकड़ लें, उनके नियम और कानून को अगर हम मानने लग जाएं, तो प्रेमियों उस बात को समझ लो कि आपके ऊपर जो उनका ऋण है उससे आप मुक्त हो सकते हो। पहले की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, व्यवस्था बिगड़ गई। कहते हैं राजा खराब होता है तो प्रजा खराब हो जाती है। मास्टर अगर नाकाबिल होता है तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनके अंदर काबिलियत नहीं आ पाती है। डॉक्टर अगर काबिल नहीं होता है तो मर्ज ठीक नहीं होता है। तो जब व्यवस्था बिगड़ती है तब आदमी को लाभ नहीं मिल पाता है। शुरू में जब व्यवस्था बनाई गई थी मनुष्य के सुख शांति के लिए, देवताओं को खुश करके, समय पर जाड़ा गर्मी बरसात देने के लिए, अन्न धन जो मनुष्य को जरूरत रहती है उसको पाने के लिए, तो उसके अंतर्गत जो काम करते थे, चलते थे। तो आप देखो कि संत महात्मा ऋषि मुनि जिनको कहा गया, जब इस धरती पर जीव आए तो उनकी व्यवस्था को सब उन्होंने बनाया, तैयार किया, नियम कानून उन्होंने तैयार किया। उस समय आबादी कम थी, तो जो उतनी योग्यता वाले लोग थे, महात्मा की योग्यता वाले जो थे, जिन्होंने उन आवाजों को सुना जो भगवान जिनको कहते हो, उन्होंने लोगों के लिए कह करके बनाया, उसको सुना, तो उसी के अंतर्गत वो लोगों से संपर्क करके और बताते समझाते रहते थे। तो देखो बच्चा के पैदा होते महात्मा की जरूरत, जब नामकरण संस्कार होता है तो उन्हीं उनकी जरूरत, मुंडन संस्कार होता है उनकी जरूरत, इनका यज्ञोपवीत होता है उतने संस्कार उनको कहते हैं उसमें जरूरत, और जब पालिग्रहण संस्कार होता है निषादी ब्याज उसको कहते हो उसमें जरूरत। अब बच्चे पैदा हुए, नाती पोता हुए, कोई भी कार्यक्रम हुआ घर में,
उसमें भी जरूरत, और शरीर छूटने के बाद अंतिम संस्कार में भी इनकी जरूरत। जब संख्या ज़्यादा बढ़ी तो इन लोगों की ज़्यादा जरूरत पड़ी। अब शुरू में तो योग्यता लोगों में ज़्यादा थी, जानकारी लोगों को ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे वो जानकारियाँ कम होती गई, लोगों ने कर्म करना बंद किया, कम किया, तो तरह तरह के इनके नाम पड़ गए। तो शुरू में तो विप्र नाम रखा, विप्र को बुलाओ, लड़का पैदा हुआ विप्र को बुलाओ। विप्र किसको कहते हैं, पूजे विप्र सकल गुण हीना, और शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा। सकल गुण कौन कौन है, रजो गुण, तमो गुण, सतो गुण, ये तीन गुण हैं जो इससे घुरातीत हो जाता था, परे हो जाता था। यानी समझो कि जिसके अंदर ये गुण नहीं रह जाते थे उसको विप्र कहते हैं। तो उस समय होते थे लोग, उसके बाद में फिर और जब इधर यानी समझो कि समय बीता, तब बोले ब्राह्मण को बुलाओ। ब्राह्मण किसको कहते हैं, आप समझो ब्रह्म जाना सा ब्राह्मणा, ब्रह्म की जिनको जानकारी होती थी, ब्रह्म के विधान को, ब्रह्म के नियम को जानते थे, उनको ब्राह्मण कहा गया। उसके बाद में फिर बोले पंडित जी को बुला लो। पंडित जी किसको कहते हैं, जो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं उनको पंडित जी कहते हैं। कथा सुनाते हैं, भागवत सुनाते हैं, तो पाठ करते हैं और लोगों को कराते हैं, उनको लोग कहने लगे पंडित जी। अब भी बहुत से लोग इन संस्कारों में पंडित जी को बुलाते हैं, इनको विद्वान कहते हैं कुछ लोग, उनको बुलाते हैं। अब वो आकर के क्या करते हैं, पहले पूरी जानकारी रखते थे और वही लोग ये सब काम करते थे। अब तो यह हो गया कि लड़का काबिल हो ना हो, लेकिन जजमानी नहीं छोड़नी है, शादी ब्याह का मंत्र जानता हो ना जानता हो, चाहे हनुमान चालीसा ही पढ़ करके और शादी कराया हो, लेकिन न तो जजमानी छोड़ते हैं और या न दूसरे को पकड़ते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग जानकार होते थे, किस चीज़ के जानकार होते थे, शास्त्र रेखा के जानकार होते थे, ज्योतिष विद्या के जानकार होते थे, ग्रह नक्षत्रों के जानकार होते थे। कुछ लोग अब भी हैं लेकिन संख्या में बहुत कम हैं, तो पहले ज़्यादा होते थे। इन चीज़ों की जानकारी जिनको हो जाती थी वही लोग ये सब काम करते थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, किस नक्षत्र में पैदा होगा, या इस समय पर अगर यह सामान गायब हुआ होगा, या दाहिने नाक का सांस चल रहा होगा, तो उस समय प्रश्न किया गया होगा तो सामान मिल जाएगा। ये गायब हुआ सामान इस दिशा में गया होगा, इस समय पर अगर गया हो, उसमें सब गणित होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो थोड़ी सी भी जानकारी हो जाए तो वो सट ही निकलती हैं, उसका एक सिस्टम होता है। कैसे, ये भी बता दें आपको। जैसे एक आदमी ने कहा कि हम आपको मन की बात बता सकते हैं। बोले मन की बात बता सकते हो, कैसे बताते हो। बोले अपने मन में रुपया ले लो। क्या रुपया ले लो, अरे कुछ 100, 200, 500 रुपया ले लो अपने मन में। तो उसने मन में रुपया ले लिया और उसके बाद में कहा उधार ले लो किसी से। उधार ले लिया, कहा अब उसको खर्च करो। खर्च कर दिया और मन में खर्च कर रहा, कहा आपके पास वो रुपया आ गया। खर्च करने के बाद कमाई आपकी हो गई, तो उस रुपया को आप जिससे लाए थे उसको दे आओ। दे दिया, फिर कहा आप जरूरत पड़ गई रुपये की तो 20 रुपया हमसे ले लो, खर्चा चला लो। चला लिया, अच्छा भाई तो तुम ऐसा करो कि हमने जो दिया था उसका आधा तुम दान कर दो। तो कहा अच्छा दान कर दिया, तो कहो अब बताऊँ कितना बचा, हम बताइए। कहता 10 रुपया। कहाँ बचा तो 10 रुपया।
फिर बोला अच्छा फिर रुपया लो, विश्वास ना हो तो फिर रुपया लो, फिर बताता हूँ। अब फिर मन में रुपया लिया और फिर उसी तरह से कहा खर्च कर लो और दे आओ जिसका लाए थे। अब गरज पड़ गई अब 50 रुपया हमसे ले लो, हाँ ले लिया, कहा अब उसका भी दान कर दो, अच्छे काम में लगा दो। अब हम बताऊँ कितना रह गया, बोले हाँ बताइए, बोले 25 रुपया। अब आप ये समझो जितना देगा उसको उसका आधा ही बचेगा, इस तरह की ये गणित है कि उसका आधा ही बचेगा। तो इसी तरह का गणित होता है उसमें, कुछ चीज़ें तो एकदम बिल्कुल एकदम सही होती हैं, वो होगी ही होगी, और कुछ इधर उधर से मान लो घंटा और पला और उसमें कुछ फर्क होता है तो उसको वो देख करके उसमें रहता है, उसको पत्रा पंचांग कहते हैं और बताते हैं कि लड़का इस तरह का होगा, ये इस चीज़ को पसंद करेगा और कभी उसको ऐसी इन चीज़ों के खाने से तकलीफ हो सकती है, उससे आपको बचत का उपाय करना होगा, ये ऐसा विद्वान होगा, इसको अच्छी जगह पर भेजना पढ़ने लिखने सब बताते हैं। और फिर मुंडन संस्कार भी इसी तरह का रखते हैं, करण भी उसी तरह का करते हैं, नाम भी उसी तरह का रखते हैं, जिस नक्षत्र में पैदा होता है जैसा होता है उस तरह से वो करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आखिरी समय तक इनकी ज़रूरत पड़ती है। अब व्यवस्था जब बदल गई, कहा गया ना अब की व्यवस्था पहले की व्यवस्था में कितना अंतर है बता दो। कहते हैं कि जीवन में तीन बादशाह को, लड़के का बाप बादशाह होता है कितनी देर के लिए, जब उसके यहाँ शादी ब्याह लड़के का देखने के लिए आते हैं तब उसी के दफ्तर का अधिकारी, देखा लड़का होनहार है पढ़ा लिखा है तो अब उसकी शादी अपने लड़की से कर दें, छोटे कर्मचारी के यहाँ नहीं क्लर्क के यहाँ गया अधिकारी शादी के लिए, अब वहाँ उसको अहंकार आ गया कि हम लड़के वाले लड़की वाले, ये सोच लेता है कि अब हम बड़े हो गए, जबकि दूसरे दिन उसी को सलाम प्रणाम करेगा, नमस्कार करेगा, उसी के मातहत काम करेगा। तो ऐसे कहते हैं कि उस समय के लिए वो बादशाह हो जाता है, और लड़का की शादी जब होने को होता है और दूल्हा बनता है उस समय वो बादशाह रहता है। लेकिन अब पहले क्या था, शादी नज़दीक आती थी तभी से काम धंधा बंद करवा देते थे लड़कों से कि दौड़ धूप अब तुम न करो, कहीं तबीयत खराब हो जाए, कोई बात हो जाए, और बहुत बढ़िया खिलाना पिलाना, यहाँ तक कि तेल मालिश और उपटन और क्या क्या सब यानी करते थे लोग, इतना सम्मान, और बिल्कुल आँखों पर पलकों पर दूल्हे को बिठाए रहते थे। लेकिन अब व्यवस्था बदल गई, अब लड़के क्या करते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, कोई एजुकेशन हो गया, लड़के लड़कियाँ साथ पढ़ने लग गए तो वहीं पर वो एक दूसरे से प्रेम कर लेते हैं, अगर वहाँ नहीं भी किया, पढ़ाई लिखाई का लक्ष्य उद्देश्य बना लिया कि हम पढ़ लिख करके ही फिर इस लाइन में जाएंगे, तो कुछ माँ बाप ध्यान नहीं देते, कुछ बच्चे नहीं सोच पाते कि जीवन साथी किस तरह का होना चाहिए, और उम्र उसमें जब निकलने लगती है तो दफ्तर में ही जो लड़के लड़कियां जहां काम करते हैं वहीं प्रेम हो जाता है, अब बाप की कोई कदर नहीं, और वह फटाफट होटल में इंतजाम किया और शादी हो गई। तो होटल में अब तो किराए के बराती घराती भी मिल जाते हैं, पैसा दो, शादी के लिए कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। लेकिन जो बराती घराती होते हैं, जो दोस्त होते हैं, दफ्तर के कर्मचारी होते हैं जिनको बुलाया जाता है, उतनी देर खूब सम्मान देते हैं, उतनी देर जब तक दूल्हा बना रहता है, शादी नहीं हो जाती है तब तक खूब सम्मान मिलता है, उस समय बादशाह रहता है। उसके बाद बादशाहियत किसके पास चली जाती है, जिससे शादी होती है उसके पास, गुरु महाराज के पास हर तरह के लोग आते थे, तो एक आए मजाकिया टाइप के थे, हंसमुख होते हैं कुछ लोग, हंसी मजाक और ऐसी बातें बोलते हैं कि उसमें लोगों का
और रुचि बढ़ जाए सुनने का, उनकी तरफ लोग आकर्षित हो जाएं, तो आए को परिचय दिया। तो उनकी पत्नी थे साथ में, तो उनकी तरफ हमने जब देखा, बोले हमारी होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर। तो जब राजा थे तो राजतंत्र में राजा थे, अभी मिनिस्टर वही काम करते हैं जो राजा काम करते थे। तो घर के मालकिन के पास बादशाही आ जाती है, व्यवस्था बिगड़ गई। और अब जो ऋषि मुनियों की व्यवस्था को लोगों ने छोड़ा कि अशांति हो गई, शांति नहीं मिल रही है, और शिक्षा का भी स्तर अब बदल गया। पहले क्या था, बहुत कुछ निर्भर करता है किसके ऊपर, गुरु के ऊपर। चाहे ये भौतिक शिक्षा देने वाले गुरु हों, चाहे आध्यात्मिक शिक्षा देने वाले गुरु हों, इन पर निर्भर करता है मनुष्य का जीवन। मनुष्य का जीवन और किस पर निर्भर करता है, जो गाड़ी घोड़ा पर चलता है उसके ड्राइवर के ऊपर भी निर्भर करता है। खाने पीने से या मौसम के बदलाव से जो बीमारी हो जाती है उसको दूर करने के लिए डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है। कहीं कोई जान अनजान में गलती बन गई, नहीं भी बन गई और कहीं फंस गया मुकदमेबाजी में, तो वकील के ऊपर निर्भर करता है, जिंदगी उसके ऊपर रहती है। तो कहने का मतलब यह है कि यह अच्छा रखना चाहिए, करना चाहिए। चाहे शिक्षा गुरु हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे आध्यात्मिक गुरु हो, जान समझ करके और गुरु बनाना चाहिए। तो पहले के समय में काबिल ही होते थे ये सब लोग, इतना दंडपंड नहीं था, मेहनत करते थे, उस लाइन में डिग्री डिप्लोमा लेते थे, उस लाइन में आप ये समझो कि जानकारी हासिल करते थे। तो जगह जगह पर शिक्षा गुरु हुआ करते थे, क्योंकि सबसे पहले बच्चे को स्कूल में ही भर्ती कराया जाता है। माँ बाप को जितनी जानकारी होती है बच्चे को सिखाते हैं। अब सारे माँ बाप एक जैसी जानकारी वाले नहीं होते, एक जैसी योग्यता वाले, एक जैसे पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो स्कूलों में भेजते थे लोग कि वहाँ जा कर के हर तरह की जानकारी ये कर ले बच्चा। तो वो जो आबादी से अलग स्कूल होते थे, अब भी ज़्यादातर आबादी से अलग ही स्कूल लोग रखते हैं। शहरों में तो आबादी ज़्यादा होती है तो वहाँ तो बीच में भी खोल लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखो गांव के बाहर ही स्कूल आपको मिलेंगे। ऐसे पहाड़ियों के ऊपर या नदियों के किनारे, गांव से आबादी से काफ़ी दूर गुरुकुल जिसको कहते हैं, वो वहाँ पर विद्या अध्ययन के लिए लोग बनाते थे। तो कुछ बच्चों को आप देखो अब भी लोग जहाँ बोर्डिंग की सुविधा होती है वहाँ ले जाते हैं, भर्ती कर देते हैं। जैसे मिलिट्री स्कूल है, मिलिट्री स्कूल में बच्चों को जब भर्ती कराते हैं सारी सुख सुविधा वहाँ रहती है, और पढ़ करके ही फिर वो वहाँ से निकलते हैं। ऐसे ही गुरुकुल में बच्चों को लोग भर्ती करा दिया करते थे। तो वहाँ पर जब गुरुकुल में भर्ती कराते थे तो वहाँ पर हर तरह की जानकारी जो अध्यापक शिक्षक होते थे बच्चों को देते थे। जैसे मिलिट्री स्कूल है, मिलिट्री से संबंधित जितनी जानकारी है, सेना से संबंधित जितनी जानकारी है वहाँ सब देते हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज है, यानी जो आप समझो डॉक्टर लोग जिसमें पढ़ते हैं, यानी उसमें शरीर से लेकर और दवा तक की जितनी जानकारी होती है सब कराते हैं। ऐसे ही कुछ दुकानें होती हैं कि जिनमें सारा सामान एक जगह पर आप ले लो, इसी तरह से गुरुकुल स्कूल हुआ करते थे कि जहाँ पर शुरू से लेकर के जिंदगी की शुरुआत उसके जहाँ से होती है वहाँ से लेकर के और अंतिम संस्कार तक का ज्ञान कराते थे। तो गांव के लड़के वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए,
कस्बों पे शहर पे भी जाते थे, लोग छोड़ आते थे और वो अपना वहाँ परवरिश करते, उनका देख रेख रखते, खाना पीना का इंतजाम रखते थे, वो पढ़ाते थे। तो गांव का एक बच्चा उभरती हो गया, वहीं पर चला गया। गुरु जी का बड़ा प्यारा। देखो तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साधक की इच्छा, साधक बनना चाहते हैं, साधना की इच्छा रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं कि कैसे हमारी अंतर की तरक्की हो जाए, कैसे हमारी रूह ये ऊपर जाने लग जाए, कैसे इसको निजात मिल जाए, इसको नरक चौरासी में ना आना जाना पड़े। तो वो लोग हमेशा इच्छा रखते हैं कि कैसे ये काम हो। ऐसे ही वो लड़का था तो गुरु जी के आगे पीछे लगा रहता, क्लास चलता जब तक, तब तक तो रहता ही था, ऐसे भी लगा रहता, सेवा करता रहता था। तो गुरु जी जो पढ़ाते थे, कभी कभी ऐसा हो तो पहाड़ी से नीचे आबादी की तरफ ऐसे देखें और देख कर कैसे हिला में, कभी कुछ बोल दें, कभी कुछ बोल दें। हमारे गुरु महाराज भी ऐसे ही देखते थे तो ऐसा कुछ बोल देते थे। अब कुछ बातें तो पकड़ में आ जाती थी, जो बार बार बोलते थे वो बात तो पकड़ में आ जाती थी, कुछ बातें नहीं भी आती थी। जब मौका मिलता था तब हम लोग पूछते भी थे, बताते थे गुरु में, कुछ नहीं सिखाते। गुरु किसको कहते हैं कि जो अपने ज्ञान को बांटे और रोक करके न रखे, कपटी गुरु न रहे, उसको सच्चा गुरु मानना चाहिए। तो कभी भी कपटी गुरु नहीं रहे गुरु महाराज, कपट कभी नहीं किया। तो ऐसे बोल दिया करते थे। तो लड़के ने पूछा गुरु जी ये नीचे क्या है, बोले देखो यहाँ लोग रहते हैं, ये कस्बा है, मकान बना हुआ है, कभी कभी जब रात के समय से घूमें, खड़े हो जाएं, इसे देखें तो जो चिराग लालटेन वगैरह जहाँ कहीं कहीं जलता था, रोशनी होती थी, लाइटें तो इस तरह की थी नहीं लेकिन वो दिखाई पड़ती थी। तो उसके मन में ये इच्छा हुई कि हम एक दिन देखें कि नीचे क्या है। तो एक दिन उसने कहा गुरु जी नीचे हम देखे हूँ। बोले कि ठीक है दिखा देंगे, नीचे दिखा देंगे, अभी समय नहीं। उम्र उसकी थोड़ी कम थी लेकिन जब थोड़ी उम्र बढ़ी, जानने की उसकी उस समय पर जरूरत पड़ी कि कुछ दुनिया की भी चीज़ों की जानकारी कराई जाए, तब एक दिन बोले अच्छा जा अब तू नीचे घूम जा, चला जा आज। सुबह खा पी करके चला। अब वो देखने में तो रास्ता नज़दीक था लेकिन पहाड़ी रास्ता जो होता है वो ऐसे घूमने का होता है, जैसे कहते हैं ना कि बद्री का आश्रम जो जाते हैं बद्रीनाथ, तो नौ ढाई यानी समझो कि ढाई कोस को नौ दिन में चलते थे पैदल, तो कहें नौ दिन चला ढाई कोस, यानी ऐसा रास्ता था। एक बार हमें लोग हिमाचल प्रदेश में गए तो वहाँ पर बोले कि 2 किलोमीटर है वहाँ चले जाओ, और 2 किलोमीटर में समझो 1.5 घंटा लग गया। और उस समय पर एयर कूल गाड़ियाँ नहीं थी, पानी डालना पड़ता था, 2-3 बार रास्ते में पानी डाला, गाड़ी गर्म हो गई, इतनी चढ़ाई और इतना घुमाओ। तो धीरे धीरे उतर करके वह गया, थका था, पानी पुनी पिया, बैठ गया उन कुआँ पर, यहाँ पानी मिलता, कुएँ के पास पानी मिलता था, कुएँ होते थे उस समय, आज की तरह से वाटर सप्लाई तो थी नहीं। तो देखता है कि उधर से बाजा बजाते हुए कुछ लोग आ रहे हैं, तरह तरह के बाजे की आवाज़ आ रही है, देखता रहा। अब वो बाजा बजाने वाले और नज़दीक आ गए, फिर देखा कि कोई ऐसे गोल मटोल ऐसे कोई चीज़ दिखाई पड़ी, चमकदार चीज, और नज़दीक जब वो लोग आए तो देखा कहाँ है, जो कपड़ा पड़ा हुआ है ऊपर से, और 4 आदमी इसको लेकर चल रहे हैं, ये क्या चीज़ है, और अच्छा अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं लोग, और इसमें हर तरह के लोग दिखाई पड़ रहे हैं,
भाई ये क्या चीज है, ये कौन है, कहाँ जा रहे हैं। मैं बैठा रहा तो जब आगे से वो लोग निकलने लगे तो उसके पीछे पीछे पालकी में जो दूल्हा बैठा हुआ था, बढ़िया कपड़ा पहने हुए और मोर लगाए हुए, उसमें जो बैठा हुआ था और उसके पीछे बाराती जो चल रहे थे, उस लोग बगल में चल रहे थे। जब आगे निकल गए तब एक आदमी से बाराती से पूछा, कहा कि ये क्या है। तो कहे ये बारात है, कहाँ जा रहे हैं, ब्याह करने जा रहे हैं, ये कौन है जो उसमें बैठा है। तो कहा कि ये दूल्हा है। तो कहा दूल्हा किसको कहते हैं। अब वो आदमी शंका तो किया, इसको नहीं मालूम है, लेकिन सुनने वालों को हंसी भी आ रही थी अंदर में, क्या बेवकूफ से पाला पड़ गया, देखो क्या पूछ रहा है, इतना भी नहीं मालूम है। तो कहा कि ये कौन है, ये जा रहा है, ये दूल्हा है, कहाँ जा रहा है, ब्याह करने, शादी करने, विवाह करने, विवाह क्या चीज़ होता है। अब वो भी चलने लग गया साथ में बारात, भले तो रुके नहीं, साथ चलने लग गया। तो कहा कि स्त्री पुरुष का रिश्ता होता है, जीवन साथी बनाते हैं, जिंदगी में फेरा बार से शादी के बाद साथ रहेंगे। तो कहा अच्छा, रिश्ता का नाम विवाह है, तो शादी कैसे होगी, विवाह कैसे होगा। तो एक आदमी ने कहा रहे चलना देख ले, कहाँ तक बताया जाएगा तेरे को। साथ में जाने लग गया, अब फिर और पूछने लग गया, जिज्ञासा हो गई, इच्छा हो गई जानने की, तो शादी कैसे होगी। अरे भाई तू देख लेना चल के कैसे होगी, और शादी होने के बाद फिर क्या होगा। तो कहा शादी होने के बाद लड़की को ये बिठा करके इसी में लाएगा और वो घर में रहेगी और इसकी सेवा करेगी, इसको रोटी पानी बना के खिलाएगी, इसका ध्यान रखेगी, इसका हाथ पैर दबाएगी, इसके पास सोएगी। बोला अच्छा ये बात है, जैसे हम गुरु जी की सेवा करते हैं इसे सेवा करेगी। बोले हाँ गुरु जी की सेवा तुम करते हो, लेकिन ये सेवा अनुग्रह आश्रम के हिसाब से करेगी। कहा अच्छा, चला गया साथ में, साथ में चला गया। तो अब वहाँ जो भी पानी पत्ता पिलाते थे उस समय पर शरबत वगैरह, इसको भी पिलाए। फिर उसके बाद रस्म शुरू हुआ, द्वार पूजा होती थी, उसमें भी विद्वानों की जरूरत पड़ती थी। विद्वानों ने वहाँ पर मंत्रोच्चारण किया और उन मंत्रों का अर्थ भी बताया, थोड़ा प्रवचन भी दिया, सुनता रहा। फिर उसके बाद में विवाह के लिए लड़के को बुलाया गया घर में, बुला गया तो किसी ने कहा कि भेज दो इसको ब्रह्मचारी को भी, ये भी देख ले, इसकी भी तो होगी किसी दिन, गुरु जी इसको हमेशा ब्रह्मचारी थोड़ो रखेंगे, अरे गृहस्थ आश्रम में इसका भी प्रवेश करेंगे, तो देख ले कैसे होती है। तो भेज दिया निर्मल जन, कहते ना मन के अंदर निर्मलता रहे तो आप समझो कहीं भी चले जाओ कोई दिक्कत नहीं। कहते नभ्या, और जिभ्या पर कंट्रोल है तो कहीं भी रहो सुखी रहोगे, कोई शंका नहीं करेगा। और इसमें अगर कमी आ गई तो हर जगह ठोकर खाओगे, मार खाओगे, और समझ लो कि परमार्थ तो कमा ही नहीं सकते हो, नर्क का रिजर्वेशन करा लोगे, नर्क का टिकट कटवा लोगे। तो आप समझो कि गया वो और सब देखता रहा और सब समझता रहा, और देखा कि वो जो है लड़की आई, वो भी बढ़िया कपड़ा पहने हुए है, उसको भी सजावट करके लोग लाए बैठाए और विवाह संपन्न हो गया, भोजन खाए सब लोग, लेट गए। तो जगह कहीं मिली नहीं नीचे उसको सोने की, तो एक कुआं था, उसी कुएं के किनारे जो चबूतरा था उसी पर लेट गया, अपना गमछा बिछाया और उसी पर लेट गया। अब ये सुना था कि भाई इसकी भी तो शादी कराएंगे गुरु जी, ये ब्रह्मचारी ही कहाँ रहेगा। तो देखने के बाद उसके मन में भी यह जिज्ञासा हो गई कि मेरी भी शादी होगी, इसी तरह की होगी, इसी तरह की शादी होगी,
अब उनकी बातें सब याद आने लग गई कि ले जाएगा दूल्हा लड़की को, ले जाएगा, बनाएगी, खिलाएगी, सेवा करेगी, उसके साथ सोया करेगी। तो वही उसके दिमाग में गूंजने लगा। अब जब सोया तो वही सपने में वही आने लग गया, देखा सपने में कि मेरी भी शादी हो गई और दुल्हन घर पे आ गई, बनाया खिलाया, अब मैं लेट गया हूँ, थोड़ी देर के बाद आती है और कहती है कि खिसक चलो, हम भी सोएंगे तुम्हारे साथ। बस सपने में जैसे खिसका तैसे गिरा कुएं के अंदर, जैसे उधर खिसका कुएं में गिरा। अब पहली नींद थी, थके थकाए थे बराती, सब सो गए थे, लेकिन कुत्ता भूखा है, कुत्ते बड़े जानकार होते हैं और आदमी को उतनी अकल नहीं होती जितने कुत्ते जब सीख जाते हैं हर चीज को समझ जाते हैं। और कुत्ता जोर से बोला, जब कुत्ता जोर जोर भूखने लगा तो कहा गया है कुत्ता ऐसे नहीं भूखता है, कुत्ता भूखे तो जरूर कोई बात होगी, कोई आदमी को देखेगा या किसी जानवर को देखेगा, और आदमी और जानवर नहीं भी वहाँ होंगे तो भूत को देखता है, तो भूतों को रात में देख करके भूखता है। भूत ऐसे दिखाई पड़ते हैं आदमी जैसे जाते हुए, जानवर जैसे भूत दिखाई पड़ जाते हैं तो उनको देख करके भूखता है। तो बहुत से लोग भूतों को देखकर जब भूखता है तो मारते हैं कुत्ते को, कभी नहीं मारना चाहिए, जरूर कोई बात है तब वो भूख रहा है। कुत्ता जोर से जब भूखा तो लोग उठ पड़े, अब उसमें कुएं में कुछ ऐसे यानी वो बचने की कोशिश कर रहा है, डूबते समय ऊपर नीचे आ रहा है, हाथ से ऐसे हाथ पटक रहा है, आवाज हो रही, तो लोगों ने देखा तो अभी गिरा ही था तब तक निकाल लिया किसी तरह से उसको। अब जब बाहर निकला तो वहाँ पर बैठा, उसे चबूतरे बैठाया लोगों ने, अब कोई पैर सहला रहा है, कोई हाथ सहला रहा है, और कोई जो है बड़े प्यार से बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो प्यार तो दिया इन लोगों ने, लेकिन गुरु का प्यार उसको याद आ गया उसने। कहते मुसीबत में भगवान याद आता है, गुरु याद आते हैं, और हमेशा अगर याद करते रहो तो यानी फिर तकलीफ आती ही नहीं है। कहते दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तो उसको याद आने लगे गुरु, कहा अरे भाई ये जो लोग सेवा कर रहे प्यार दे रहे तो गुरु के प्यार के आगे कुछ भी नहीं, इतना प्यार दिया उन्होंने, इतना हमारी परवरिश किया, इतना ध्यान रखा, तो इन पर इनके सेवा पर ध्यान नहीं दे रहा है गुरु पर। लेकिन फिर मानव स्वभाव के कारण यह सोच रहा है कि हमको यहाँ पर डुबोने के लिए यानी भेज दिए, यानी मार डालने के लिए भेज दिए गुरुजी, गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि भाई सतपुरुष ने हमको यहाँ भेजा क्यों, तकलीफ झेलने के लिए क्यों भेजा, ये क्या है, ये एक अड़ियलपन है। क्योंकि जब सत्संग में हर चीज बताई जाती है और समझाई जाती है तब सुनना चाहिए, तो सत्संग जो नहीं सुनते हैं, जो इस विषय को अध्ययन नहीं कर पाते हैं, उनके मन में तमाम तरह की शंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं। लेकिन जब सत्संग सुनते हैं और जीवात्मा की और परमात्मा की जानकारी होती है तब ये जीवात्माएं रोती हैं किस से, उस प्रभु से, और ये कहती हैं आप हमको यहाँ भेज तो दिए लेकिन बुलाओगे कब। इतना ज्ञान हो जाता है कि जैसे कोई लड़की की शादी कर देता है तो कि लड़की जब जाती है ससुराल तब उसको जब पिता याद आते हैं तब फिर कहती है पिताजी आप हमको कब बुलाओगे। कोई जो अनजान बच्ची होती है जिसकी उम्र कम होती है उसको अगर भेज दिया जाए कहीं तो फिर वो कहेगी हमको यहाँ क्यों भेज दिए, क्यों भेज दिए, भाषा बदल जाती है। ऐसे ही जो इस विषय को समझ जाते हैं
और साधना का लक्ष्य सत्संगी बनाते हैं और उनकी जो जीवात्मा होती है जिसके ऊपर से गंदगी हटती है, खान पान चाल चलन जिनका सही हो जाता है, उनकी जीवात्मा प्रभु से प्रार्थना करती है कि अब बुलाओ, कब बुलाओगे, और उनकी याद आने लग जाती है। और याद जब आने लग जाती है तब बराबर याद आती रहती है। तो कहते हैं मीरा को गुरु ने जलवा थोड़ा दिखाया अंदर का और बोध कराया प्रभु का पिता का, तब बराबर दिन रात वही प्रार्थना करती रहती थी कि अपना घर दिखाओ, हमारा घर दिखाओ, आप बुलाओ हमको। अन्न पानी तक भी नहीं भाता था उसको, ऐसे खिड़कियों से झांकती रहती थी, देखती रहती थी कि देखो यह सूरज यहाँ था और सूरज यहाँ आ गया और अभी सूरज ढल जाएगा और रात हो जाएगी, फिर सवेरा होगा, इसी तरह से उम्र धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, दिन बदल जाएगा, तारीख बदल जाएगा, महीना बदल जाएगा, उम्र ख़त्म हो जाएगी और हम प्रियतम के पास, पिता के पास नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि रास्ता इसी मनुष्य शरीर के अंदर से है और शरीर जब छूट जाएगा तो और कोई रास्ता नहीं है कि जिससे वहां तक पहुंच पाए। तो बराबर दया मांगती रहती थी। अनी मीरा ने बताया कि जैसे 30 साल का है, ऐसे साल का था ये चिंता फिकर, ये सालती थी, जैसे कांटा चुभ जाता है और आदमी चलता है जमीन में और जब जैसे जैसे पैर पड़ता है दबता है वो कांटा और अंदर ऐसे जाता घुसता चला जाता है, दबाव जैसे जैसे पड़ता है अंदर घुसता चला जाता है और अंदर घुसता चला जाता है तो दर्द बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही उसका दर्द बढ़ता जाता था, उसी तरह से ये जीवात्मा याद करने लग जाती है। तो लड़के को प्यार तो बहुत मिला बाहर के लोगों का, लेकिन बस यही उसको रहा कि गुरु जी अब जल्दी से रात खत्म करो, सवेरा हो, मैं आपके चरणों में आकर के गिरूं। तो जैसे उजाला होने लग गया तो लोग उसको बोले चलो अब कुछ पानी पत्ता पियो, नाश्ता पानी करो, कुछ नहीं, भागा वहां से और पहुंच गया गुरु का चरण पकड़ करके रोया और कहाँ भेज दिए थे, मालूम पड़ गया दुनिया कैसी है और किस तरह का तकलीफ नीचे है, नीचे हमको भेज करके और आपने हमको बहुत क्या क्या अनुभव कराया, तकलीफ दिलाया, पैर में छाले पड़ गए, जाने में भूखा प्यासा पहुंचा, इधर उधर पानी पिया और फिर रात में जगा और फिर उतनी गहराई में गिरा, बच गया नहीं तो डूब जाता। तब गुरु ने कहा तुझको मैं डूबने देता, तुझको डूबने देता, कहा ना कि गुरु को बाहर शिशकुंभ है और गड़गड़ काठे काढ़े खोट और अंदर हाथ सराह कर बाहर मारे चोट। कहीं भी किसी काम के लिए भेजेंगे, कोई भी काम बताएंगे, उससे क्या होगा, अनुभव होगा, उससे किसी लायक बनेगा आदमी, उस जीवन में उसके काम आने वाली चीज ही वो कराएंगे। तो ये तो पता नहीं है प्रेमी को कि गुरु किस लिए ऐसा कर रहे करा रहे हैं, लेकिन अनुभव आदमी के लिए बहुत जरूरी होता है। और यह भी कि किसी के लिए कोई अनुभव, किसी के लिए कोई अनुभव, किसी के लिए कोई अनुभव, तो कुछ अनुभव तो ऐसे होते हैं जो सबके लिए जरूरी होता है, ऐसे गृहस्थाश्रम में जाने वालों के लिए ये ज़्यादा जरूरी होता है कि कैसे गृहस्थाश्रम का जीवन बिताना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, ये ज़्यादा जरूरी होता है। और ज़्यादातर गृहस्थाश्रम में ही लोग जाते हैं, इसलिए ये जरूरी होता है, यह भी जरूरी है। अगर गृहस्थाश्रम में नहीं गए, शादी ब्याह लोगों ने नहीं किया तो सृष्टि का चक्र रुक जाएगा, जीवात्माएं ये आ नहीं पाएंगी मनुष्य शरीर में और फिर ये पार भी नहीं हो पाएंगी, तो इसलिए वो भी जरूरी होता है। तो गृहस्थाश्रम के लिए प्रेरणा देते हैं जो संत होते हैं, प्रेरणा देते हैं कि गृहस्थाश्रम में ही रहो, लेकिन उसको याद रखो, भूलो मत, उसको बराबर याद करते रहो
और उसके नाम को जान लो, उस नाम से उसको पुकारते रहो। तो गुरु जी ने कहा, अरे तुझको भेजा तो तेरे समझ में तो आया कुछ, क्योंकि तुझको भी गृहस्थाश्रम में जाना है, तेरा भी विवाह होना है, तो तुझको अनुभव तो हुआ। फिर बोला कि नकली ब्याह का यह हाल हुआ, इतनी गहराई कुएं में गिर गए, और असली होगा तब क्या हाल होगा गुरु जी, ये बताओ। तब उन्होंने बताया कि देख, जो समझे प्रभुता परछाई और प्रभुता पाए ताहि मद नाही। जो समझ जाता है कि धन बल प्रतिष्ठा ये परछाई की तरह से है, ये आज हमारे साथ है कल साथ नहीं रहेगा, ऐसे ही तू जब गृहस्थी को समझ जाएगा कि गृहस्थी किसी की नहीं हुई, दुनिया किसी की नहीं हुई, सब को छोड़ करके जाना पड़ा, तब बेटा तू उसमें फंसेगा नहीं, रहेगा तो गृहस्थ आश्रम में ही, लेकिन तू अलग रहेगा। और देख, तुझको हर तरह की शिक्षा दी जा रही है कि गृहस्थ आश्रम में किस तरह से रहना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए, दरवाजे पर कोई आ जाए दो रोटी खिलाना चाहिए और पानी पिलाना चाहिए, जो हो सके स्वागत सत्कार करना चाहिए, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करनी चाहिए, और जो भी नियम घर का है, समाज का है, देश का है, उसका पालन करना चाहिए, जो नियम कुदरत का है, देवताओं का है, उस नियम का पालन करना चाहिए, उनके काम में बाधा नहीं डालना चाहिए, उनके बनाए हुए जीवों की हत्या नहीं करना चाहिए, मानो मंदिर को जो पूजा उपासना के लिए उस मालिक ने दिया है इसको गंदा नहीं करना चाहिए, इसमें अन्य समझो कि गंदी चीज को डालना नहीं चाहिए, ऐसे नशे का सेवन नहीं करना चाहिए कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए, होश में न रह जाए। तो ये क्या है, यह है गृहस्थ धर्म, इसका पालन करना, लेकिन मौत को मत भूलना, मौत को याद करते रहना, जब मौत को याद करते रहोगे तो इसमें फंसोगे नहीं, हमेशा ये सोचते रहोगे कि मौत कब आ जाए, और मौत को जब सोचते रहोगे तो जो समय बचेगा कि मौत आने के बाद उसके लिए समय निकालोगे। अभी तो देखो, समझाया, अभी तो देखो जिंदगी है तुम्हारी, लेकिन ये मनुष्य ही तुम्हारा छूटेगा, तो उस समय तुम कहाँ जाओगे, ये तुम्हारी जो जीवात्मा है शरीर को चला रही है, ये जीवात्मा कहाँ जाएगी, ये परमात्मा की अंश है, तो कुछ इसके लिए भी करते रहना। कहा, इसके लिए तुम समर्थ गुरु की तलाश करना, मैं तो तुम्हारे विद्या गुरु हूँ और वो गुरु तुम्हारे अलग होंगे, ये विद्या जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ, यह शिक्षा मैं तुमको जो दे रहा हूँ, यह शिक्षा का अंत हो जाता है, लेकिन जब शिक्षा का इसका अंत हो जाता है तब आध्यात्मिक विद्या की शुरुआत होती है, तो तू आध्यात्मिक गुरु की तलाश कर लेना और उनसे रास्ता लेना। जीवात्मा के कल्याण का, मनुष्य शरीर छूटने के बाद जीवात्मा कहाँ जाती है, क्या है, इसका ज्ञान करने के लिए उनके पास जाना और उनसे रास्ता लेकर के तुम बेटा भजन करना, जो भी वो बताओ वो काम करना। तो तेरे लिए जब तू नियम कानून का पालन करेगा, अपनी जीवात्मा के कल्याण का भी कुछ करेगा, तो तेरे लिए कोई दुखदाई नहीं होगा, तू किसी भी कूप में नहीं गिरेगा, जैसे गिर भी जाएगा तकलीफ आएगी भी, तो जैसे तुझको ऐसे कोई मेसे में ले निकलवा लिया, कुत्ते के अंदर पेड़ा दे दिया और कुत्ता भूखने लग गया और लोग जग गए और उन्होंने तेरी रक्षा कर लिया, इस तरह से तेरी रक्षा होती रहेगी, संभाल तेरी होती रहेगी, और वो गुरु जो तुझको मिलेंगे, जब शरीर छूट जाएगा तेरी आत्मा की संभाल कर लेंगे, जो आध्यात्मिक गुरु होंगे तेरी आत्मा की संभाल कर लेंगे। तो समझाया बताया, कहा बस अब थोड़ा समय तेरा कोर्स रह गया है और उसको कर ले, और जब गृहस्थ आश्रम में चले जाना है, जो तेरे माता पिता चाहते हैं, इच्छा जिनकी ये रहती है कि बच्चा पढ़ ले करके आ गया, अब इसका शादी ब्याह कर दें, अब और खानदान आगे बढ़ जाए, ये नाम रोशन करे, तो जहाँ भी कोई काम करना
मेहनत और ईमानदारी से करना, किसी का दिल दुखा करके और अपना स्वार्थ मत सिद्ध करना। अब आप ये देखो कि बहुत से लोग तो दिल दुखा करके ही ले रहे हैं, इस समय तो कहाँ बरकत हो रही। डॉक्टर ले रहे हैं किससे, मरीज से, पहुँचते ही अंदाजा लगा लेते हैं इससे इतना लेना है, तो देते कहाँ हैं। जब किसी केस में पकड़े गए, जब कोई केस हो गया मुकदमेबाजी में ले आते, मुकदमेबाजी वाले बीमार हुए तो मुकदमेबाजी में लेते हैं, फाइल गई नहीं सामने और देखा तो कहा इतना तो लेंगे तबीयत आगे बढ़ेगी। वो उनका क्या होता है, वो डॉक्टर को दे आते हैं। और हम लोग के जब दिल दुखा के लेते हैं तो कोई दिल दुखा करके ही ले जाता है, इस चीज़ को नहीं समझते हैं। अगर कहते हैं दाल में नमक खाए आदमी तो चल जाता है, दाल ही पीने की कोशिश करता है तो कहाँ इतनी दाल पतीली भर की हजम हो सकती है। एक आदमी गुरु महाराज के पास आया, कहा गुरु महाराज आपकी बड़ी दया थी, हमको नौकरी मिल गई, अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन ऐसे विभाग में मिली है कि जहाँ बगैर रिश्वत लिए काम ही नहीं चलता है, वहाँ पर तो रिश्वत ही रिश्वत, रिश्वत ही रिश्वत, और अगर न लिया जाए तो निकाल बाहर कर दिया जाऊँगा, तो क्या करूँ। बोले बच्चा दिल दुखा के मत लेना, दिल दुखा कर और काम पहले कर देना, और बाद में अगर कुछ दे जाए तो तू उसको ले लेना, और जो तेरा खर्चा नौकरी का होगा, जो मेहनत का होगा खर्च करना, और बाकी गरीब बुजुर्गों को खिला देना, कोई अच्छा काम आने उसमें खर्च कर देना, तो तेरे को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब तो दाल ही पी जाने के लिए लोग सोचने लग गए तो परेशानी तो आएगी, तरह तरह की बीमारियों के आने का क्या कारण है। रोज अस्पताल में दौड़ने का, मुकदमेबाजी में रोज दौड़ने का, झगड़ा झंझट में हाथ पैर तोड़वा लेने का, हाथ पैर कटवा लेने का, ये क्या कारण है। ये यही सब कारण है कि जो भी नियम संत महात्माओं ने बनाया उसको लोग तोड़ने लग गए। कर्म लोगों ने शरीर से करके बुरे और इकट्ठा कर लिए, और जीवात्मा के ऊपर वो जमा हो गया। नामदान लेने के बाद भी जगह जीवात्मा नहीं छोड़ पा रही, दबी पड़ी है उन्हीं कर्मों की वजह से। तो जब तक कर्म कटेंगे नहीं तब तक जीवात्मा आगे बढ़ नहीं पाएगी, और इसी में फिर नौ समय निकल जाएगा। सबसे पहले तो आपको आज ये सोचने समझने की जरूरत है कि समझो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अच्छे कर्म क्या हैं, बुरे कर्म क्या हैं। उसके लिए बराबर सत्संग सुनते रहो, और जब ये चीज़ समझ में आ जाए तो बुराई की तरफ देखो ही नहीं, उसको भूल जाओ कि यह हमारे लिए नहीं रह गया, और अभी तक किया सो किया, अब कान पकड़ लो, तौबा कर लो, और अच्छाई जो आपको समझ में आ जाए तो उसको आप पकड़ लो, अच्छाई के रास्ते पर चल पड़ो, कि जिससे मनुष्य का जीवन आपका पाने का लक्ष्य पूरा हो जाए, ये जीवन सफल हो जाए। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
गुरुदेव। Thank you.